कर्नाटक की, तो कर्नाटक में उठे हिजाब विवाद को लेकर राजनीतिक दलों की क्रिया और प्रतिक्रिया जारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की नेत्री रुबीना खानम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो कह रही हैं कि हिजाब पर हाथ डालने वालों का हाथ काट देंगे। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। दरअसल रुबीना अपने वायरल वीडियो में कह रही हैं कि यह कर्नाटक का हिजाब मामला हमारी बहन बेटियों के आत्मसम्मान का विषय है। उन्होंने गुस्से भरे लहजे में कहा कि हम हिजाब पर हाथ डालने वालों के हाथ काट देंगे। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना निष्ठा की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम